ओके तो स्वागत है यार आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। आज हमारी यार कहानी जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें हम एक डिटेक्टिव को देखेंगे जो कि एक आदमी का गलती से एक्सीडेंट करके उसकी जान ले लेता है, और फिर वो अपनी टीम के साथ उसी आदमी के खूनी को ढूंढता है, मतलब अपने आप को। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं ग्योंगसू को, जो कि अपनी मॉम के फ्यूनरल को छोड़कर अपनी बेटी के लिए केक लेने जा रहा है। ग्योंगसू की सिस्टर उसको कॉल करके जल्दी आने को कहती है, और इन्हीं सब के बीच ग्योंगसू के सामने एक डॉग आ जाता है रोड पर, और उसे बचाने के चक्कर में ये एक आदमी को कार से उड़ा देता है। डरते डरते उसके पास जाकर चेक करता है तो वो आदमी अब ऊपर निकल गया है, और ये बहुत ज़्यादा डर जाता है उसको देखकर। और वहीं पर एक डॉग खड़ा है जिसको ये बचा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो आकर इसको खड़ा होकर देख रहा होता है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो डॉग है इस पर्सन का ही है जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है। तभी वहाँ पर पुलिस की एक कार आ जाती है। ग्योंगसू जल्दी से बॉडी को छुपा देता है और वहीं पर खुद भी छुप जाता है। पुलिस की कार जाने के बाद ग्योंगसू पसीने में भीगा हुआ है, और वो जल्दी से बॉडी को अपनी कार की डिक्की में डालकर लेकर जाने लगता है। आगे पुलिस की चेकिंग चल रही होती है। अब ये देख के तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है हमें भी और ग्योंगसू को भी। अब ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और सोच रहा है कि क्या करूँ। पुलिस वाला कहता है कि चलो अपना मुँह खोलो, क्योंकि ये लोग यहाँ पर एल्कोहल टेस्ट कर रहे हैं। ये कहता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ और यहाँ पर ग्योंगसू ने शराब पी रखी है, इसलिए पुलिस वाले इसको गाड़ी से उतार देते हैं और कहते हैं कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम एक डिटेक्टिव हो। ये कहता है कि मैं अभी अपनी माँ के फ्यूनरल में से आ रहा हूँ और अपना दुख कम करने के लिए मैंने थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया था। बट ये लोग नहीं मानते और इसकी डिटेक्टिव की आईडी पूछते हैं, और फिर ये अपनी आईडी बता देता है। और इसी बीच एक पुलिस वाला इसकी कार की डिक्की खोलने लग जाता है। ग्योंगसू जल्दी से जाकर उसको रोकता है, वरना अभी तो बॉडी बाहर निकल जाती बिल्कुल। और ये लोग यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। ग्योंगसू उन सबको मार पीट देता है, पर यहाँ पर इसको बेहोश कर देते हैं ये सारे मिलकर। और तभी पुलिस की खबर आती है कि ये सच बोल रहा है, इसकी आईडी वेरीफाई हो गई है, मतलब ये एक डिटेक्टिव है। फिर हम देखते हैं ग्योंगसू को ऑफिस का सीन। यहाँ पर रेड पड़ी हुई है जिसमें ग्योंगसू के सीनियर चीफ और इसके साथी सब फंस गए हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा घूस लेते हैं। अब यहाँ रोड पर ग्योंगसू पुलिस की रिमांड लगा रहा है, क्योंकि इन्होंने इस पर शक किया कि ये एक डिटेक्टिव नहीं है। अब ग्योंगसू वापस फ्यूनरल में आता है, और यहाँ पर सब अब जा चुके हैं। यहाँ पर इसकी बेटी है और इसका एक टॉय भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब मैं टॉय के बारे में क्यों बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आप खुद देख लोगे। यहीं पर इसके साथी डिटेक्टिव भी आ जाते हैं और इसको रेड के बारे में बताते हैं। यहाँ पर इसका जो फ्रेंड है जिसका नाम चोई है, ये कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लेना चाहिए। ग्योंगसू कहता है कि मैं अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम क्यों लूँ घूसखोरी का, और यहाँ पर इनकी लड़ाई हो जाती है और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। और अब शुरू होता है असली गेम। यहाँ पर ग्योंगसू की मोम का कॉफिन बंद किया जा रहा है, तभी इसे एक अननोन मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारी कार में कुछ रखा हुआ है, और वहाँ पर पुलिस आ रही है चेक करने के लिए। अब यहाँ पर ग्योंगसू ये देखकर परेशान हो जाता है और भागकर सबसे पहले अपनी कार के पास जाता है, और वहाँ से भागकर बलून्स खरीदने जाता है। और फिर ग्योंगसू अपनी बेटी के टोए पर रस्सी बांधकर उसको वेंटिलेशन चैम्बर में फेंक देता है। और यहाँ पर ये कॉफिन रूम में आकर कहता है कि मुझे मेरी मॉम के साथ थोड़ी देर और रहना है, इसे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। ग्योंगसू बहुत तेज दिमाग का है, क्योंकि एक डिटेक्टिव है, इसलिए ये बलून्स को कैमरे के ऊपर लगा देता है जिससे कैमरा ब्लॉक हो जाता है, और ये उस वेंटिलेशन चैम्बर को खोलकर उसमें से टोए को खींचकर और इसने जो रस्सी बांधी थी उससे खींचता खींचते उसकी जो बॉडी है जिसको इसने मारा है वो यहाँ पर ले आता है। अब यहाँ पर लेकर आया है तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि अब ये क्या करने वाला है। अब यहाँ पर गार्ड्स बाहर से आवाज़ सुनकर रूम को चेक करने आते हैं, पर रूम को इसने अंदर से लॉक कर दिया है। अब ग्योंगसू ने पूरी बॉडी यहाँ पर खींच ली है और करता है कुछ ऐसा कि वो अपनी मॉम का कॉफिन खोलकर और उस बॉडी को भी उस कॉफिन वाले बॉक्स में डाल देता है और दोनों को ऊपर से लॉक कर देता है। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा फनी लगता है, और यहाँ पर ये अपनी मॉम से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी भी मांगता है इस गलती के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। और अगले दिन कॉफिन को दफना दिया जाता है और सब कुछ बहुत ही क्लीन तरीके से हो जाता है। ग्योंगसू बहुत खुश है, बट अभी भी एक उसकी टेंशन है कि उसकी कार टूटी हुई है, अगर आगे चलकर छानबीन होती है तो उसकी कार फंस सकती है, इसलिए वो पुलिस की कार को ठोक देता है और अपनी आईडी दिखाकर कहता है पुलिस वालों को कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, तुमने गाड़ियाँ गलत पार्क की थी, तुम लोगों की गलती है। और फिर वो अपनी कार बनवाता है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो इंश्योरेंस का पैसा भी मिल जाता है जिससे इसको अपनी जेब से कुछ देना नहीं पड़ता, और दूसरा ये कि आगे चलकर अगर कोई बात होती है तो ये बता सकता है कि इसकी गाड़ी पुलिस वालों की गाड़ी से ठुककर टूटी थी, ना कि एक्सीडेंट होने की वजह से। अब अगले सीन में हम देखते हैं कोरियन पुलिस को। यहाँ पर एक बम लेकर आए हैं ये लोग, जिसका बटन दबाने के एग्जैक्ट 2 मिनट बाद ये बम ब्लास्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो है। अब ये वाला जो पार्ट है वो स्टोरी का एक मेन पार्ट है, तो इसको याद रखना। अब उसी दिन इन लोगों के पास एक केस आता है, एक क्रिमिनल को पकड़ना है जिसने खून किया है, और इसका नाम है ली, और ये वही आदमी है जिसे ग्योंगसू ने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी गाड़ी से उड़ा दिया था। अब ये देख के इसका दिमाग सुन्न हो जाता है कि अब ये तो वही है जिसको अभी मैंने मारा था,
और अभी इन लोगों को बता भी नहीं सकता कि मैंने इसको मार दिया और ये नहीं मिलेगा तुम लोगों को। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो ये होती है कि ये इन लोगों के साथ इसको ढूंढने निकल जाता है। अब यहाँ पर ग्वेंगसू की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाती है और यहाँ पर ये लोग छानबीन करते हुए उस आदमी के अड्डे पर पहुँच जाते हैं और पुलिस वाले यहाँ पर गन लगाकर बैठे हुए हैं और कहते हैं कि वो अंदर ही मिलेगा, वो अंदर ही मिलेगा। ग्वेंगसू बिना डरे आता है और कहता है कि वो अंदर नहीं मिलेगा, और ये लोग इसको घूरते हैं और कहते हैं क्यों नहीं मिलेगा, ये भी सही बात है भाई क्यों नहीं मिलेगा। इसकी बोलती बंद हो जाती है, ये कुछ नहीं बता पाता है। तभी यहाँ पर ग्वेंगसू को उस रात वाला वो डॉगी दिखता है और ये इसका पीछा करते करते रोड पर पहुंच जाता है। और जब ये रोड पर आता है तो इसको दिखता है कि ये तो वही रोड है और ये वही जगह जहाँ पर इसने गाड़ी ठोकी थी उस दिन। और ये जो लोकेशन है यानी कि उस लीक का अड्डा है वो जस्ट वहाँ रोड के किनारे ही बना हुआ है। अब यहाँ पर ग्वेंगसू ये सब देखकर अपनी यादें ताज़ा करने लग जाता है कि कैसे यहाँ पर इसने कांड किया था। तब यहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है, ग्वेंगसू के पूछने पर ये बताता है कि यहाँ पर एक हिट एंड रन केस हुआ था जिसकी ये छानबीन कर रहा है। ग्वेंगसू कहता है कि ये रिपोर्ट किसने की। पुलिस वाला कहता है कि एक आदमी ने रिपोर्ट की है कि एक आदमी ने यहाँ पर किसी को उड़ा दिया और फिर उसकी बॉडी को अपनी गाड़ी में डालकर लेकर चला गया। अब ये देख के तो ग्वेंगसू को पसीने ही छूट जाते हैं। यहाँ पर ग्वेंगसू समझ जाता है कि उसको किसी ने ये कांड करते हुए देख लिया था। यहीं पर एक सीसीटीवी भी लगा हुआ है खंभे के ऊपर जिसके अंदर ग्वेंगसू की वीडियो तो बनी गई होगी। यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि इसको चेक किया जाएगा और फिर देखेंगे कि यहाँ पर आखिरकार क्या कांड हुआ था। अब सीसीटीवी को चेक किया जाता है और यहाँ पर एक कार दिखती है जो कि गई हुई आगे और आगे जाकर रुक गई है। उसका पीछे का जो कार का हिस्सा होता है वो बस कैमरे में आ रहा है और वहीं पर कुत्ता भी दिख रहा है जो खड़ा होकर कार को देख रहा है। पर कार का नंबर प्लेट ये लोग काफ़ी देखने की कोशिश करते हैं पर पता नहीं लगा पाते। पर जो ग्वेंगसू का साथी है चोई, इसको पता चल जाता है कि ये वाली कार वही है जो कि ग्वेंगसू के पास है और नंबर भी 8 से ही शुरू होता है दोनों का। पर ये उस पर शक नहीं करता क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात हो जाएगी फिर। अब यहाँ से ग्वेंगसू बेचारा घबराया वो घर पर जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं इसकी बहन और उसके हस्बैंड को। इसका हस्बैंड नल्ला है और ये पूरे दिन घर में ही पड़ा रहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ग्वेंगसू का ऑफिस जहाँ पर इसको बार बार कोई फ़ोन करके ये बोल रहा है कि तूने ली की बॉडी कहाँ छुपाई है। पहले तो ग्वेंगसू को लगता है कि कोई मजाक कर रहा है पर फिर वो डर जाता है और बाहर जाकर पूछता है कि कौन है तुझे क्या चाहिए। वो आदमी कहता है कि अगर पुलिस को बताया और मुझे परेशान किया तो मैं तेरी रिपोर्ट कर दूंगा। अब ग्वेंगसू को पसीने छूट जाते हैं और ये इसे अच्छे तरीके से ब्लैकमेल करता है। और तभी इसको दिखता है कि जो आदमी इसको ब्लैकमेल कर रहा है वो इसके सामने टेलीफोन बूथ में खड़ा है और ये उसके पीछे भागता है और वो कैब लेकर रफू चक्कर हो जाता है और ये उसका पीछा भी करता है ग्वेंगसू पर उसको पकड़ नहीं पाता है। और वो आदमी का फिर हमें सीन दिखाया जाता है जो कोरियन पुलिस के हेडक्वार्टर में जाता है और वहाँ पर अपनी यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आता है यानी कि वो एक पुलिस वाला है। अब आप लोग ये सोचोगे कि वो पुलिस वाला है फिर भी ब्लैकमेल कर रहा हो तो आकर इसको अरेस्ट भी कर सकता है। अभी हमें पता चलेगा कि उसका लफड़ा गया है। अब ग्वेंगसू बेचारा अपनी कार में ही सो जाता है क्योंकि उसका तो दिमाग अब काम कर नहीं रहा है। तभी इसका दोस्त चोई इसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी कार तो बिल्कुल नई लग रही है। ग्वेंगसू कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें बताया तो था, मैंने पुलिस की कार में ठोक दिया था और फिर ये आगे का बनवा कर लाया हूँ। तभी ग्वेंगसू को उस आदमी की कॉल आ जाती है। यहाँ पर मैं उस आदमी का नाम बता दूँ तो उसको हम पार्क बोलेंगे, ठीक है। तो वो आदमी इसको कहता है कि तूने उसकी बॉडी कहाँ छुपाई है, मुझे जल्दी से जल्दी लाकर दे दे वरना मैं पुलिस को बता दूंगा। अब ग्वेंगसू यहाँ पर उसकी बात नहीं मानता है तो पार्क इसके पुलिस स्टेशन में आ जाता है और इसको थप्पड़ थप्पड़ मार के और कहता है कि सॉरी सॉरी मैंने गलती से मार दिया कोई और समझ कर। पर यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये पुलिस वाला यहाँ पर भी आता रहता है और जो ग्वेंगसू के चीफ है वो भी इसको जानते हैं। और ग्वेंगसू ये देख के और शॉक्ड होता है कि जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है वो एक पुलिस वाला है। अब फिर वो बाथरूम में चला जाता है और ग्वेंगसू उसके पीछे पीछे जाता है और यहाँ पर पार्क फिर से उसकी बॉडी मांगता है पर ग्वेंगसू को आ जाता है गुस्सा और ग्वेंगसू इसको 2-4 मुक्के मार के खुद को मतलब स्ट्रोंग समझने लग जाता है। पर यहाँ पर इसको ये नहीं पता होता कि पार्क बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है और पार्क इसको बहुत मारता है और उसका मुंह उठाकर गलत जगह पर डाल देता है। और उसके बाद तो फिर ग्वेंगसू को मानना ही पड़ता है कि हाँ ठीक है मैं बॉडी लाकर तुम्हें दे दूंगा और पार्क फिर यहाँ शांति से चला जाता है। अब बेचारा ग्वेंगसू भागता हुआ जाता है और उस कवर को खोदकर बॉडी को निकालकर तलाशी लेता है। ये जानना चाहता है कि उसमें ऐसा क्या है जो उस पार्क को चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी तो उसकी बॉडी मांग रही है। ग्वेंगसू को तलाशी लेने से पता चलता है कि ली यानी कि इस डेड बॉडी को 2 गोली लगी थी पहले और वो गोली की वजह से मरा था ना कि एक्सीडेंट की वजह से। अब ये सुन के और भी इसका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि इसने तो खामखा की मुसीबत ले ली, अगर टेस्ट भी होता तो उसका जो खून का इल्ज़ाम है वो तो गोली की वजह से आता। अब यहाँ पर इसको कुछ समझ नहीं आता, वो इसकी बॉडी को चेक करने लग जाता है। यहाँ पर इसके पास एक मोबाइल मिलता है और कुछ पैसे मिलते हैं। ग्वेंगसू जल्दी से मोबाइल लेकर इस लीक अड्डे पर जाता है और यहाँ पर फ़ोन को चार्ज में लगा देता है और वहीं पर इससे वो डॉगी मिलता है जो हम शुरू से दिखता आ रहा है। और यहाँ पर इस डॉगी का एक हाउस भी है, यहाँ पर तो 200% हमें यकीन हो जाता है कि यह डॉगी लीक आई था जो कि यहीं पर रहता है। और यहीं पर वो ली का पर्स भी लेकर आ गया डॉग हाउस में क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो डॉग्स होते हैं जब उनके मालिक का कोई सामान गिर जाता है कहीं पर या कुछ भी हो जाता है तो वो उसको उठाकर वहाँ पर लेकर चले जाते हैं।
जहाँ पर वो रहते हैं, मतलब जो डॉग हाउस होता है उनका, या जहाँ पर वो घर के जिस एरिया में रहते हैं, यहाँ पर वो पर्स भी चेक करता है गियोंगसू, पर उस पर्स में कुछ खास मिलता नहीं है। तभी ली का मोबाइल बजने लग जाता है, ये जाकर उठाता है। वहाँ से एक आदमी बोलता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम कहाँ पर हो, और यहाँ से ये कुछ जवाब नहीं देता है। तो उस आदमी को पता चल जाता है कि ये ली नहीं है, इसलिए वो कट कर देता है। अब गियोंगसू जल्दी से उस नंबर की लोकेशन निकलवाता है और भाग कर उस लोकेशन पर जाता है। उसी दौरान हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं एक चालान की कॉपी आई हुई है, मतलब एक गाड़ी ने ट्रैफिक रूल तोड़ा है तो उसका चालान आया है, और ये चालान है गियोंगसू का। और इसमें चोई देखता है कि इसकी गाड़ी टूटी हुई है, और ये चालान है 21 तारीख की रात का, जिस रात एक्सीडेंट हुआ था। और यहाँ पर चोई को ये पता चल जाता है कि इसकी गाड़ी तो 21 तारीख को ही टूटी हुई थी, तो ये बता रहा है कि इसकी गाड़ी 2 दिन बाद पुलिस वालों से ठुकने के बाद टूटी है। तो चोई को लगता है कि इसी ने एक्सीडेंट किया है। अब गियोंगसू भाग कर उस लोकेशन पर तो पहुंच ही गया था, और उस आदमी को खूब दौड़ाता है, भगाता है, और फिर फाइनली पकड़ लेता है और उसको 2-4 चाटे मारता है, और उसके बाद वो आदमी सब कुछ बकना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो आदमी बताता है कि जो पार्क है वो 2 नंबर का काम करता है। जैसे कि जब पुलिस वाले कहीं से कोई ड्रग्स अरेस्ट करके, या मतलब कहीं से भी ड्रग्स को जब्त करके अपने पास लाते हैं, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि उसको नाली में बहा दो। पर जब उसको नाली में बहाया जाता है तो उस पानी को नीचे से निकाल निकाल के, और फिर उसको बोतलों में भर कर, और फिर उससे ड्रग्स को वापस बना दिया जाता है। और उस ड्रग्स से ये लोग क्लब और बार चलाते हैं, जो कि काफ़ी पावरफुल ड्रग्स होते हैं, और जो उनको एक बार ले लेता है उसको बार बार लेने की लत लग जाती है। तो इसलिए ये जो पार्क है वो ड्रग्स का धंधा कर करके इतना ज़्यादा अमीर हो गया है। अब गियोंगसू इससे पूछता है कि ये बता कि उस ली के पास ऐसा क्या है जो पार्क उसको ढूंढ रहा है। ये आदमी बताता है कि उसके पास पार्क की लॉकर की चाबी है, और यहाँ पर समझ जाता है गियोंगसू कि लॉकर की चाबी उसके पास ही मिलेगी मुझे। वो भाग कर फिर से उसकी बॉडी खोद देता है, और फिर खोद के निकाल के वो बॉडी चेक करता है तो इसके पास चाबी मिल जाती है। और यहीं पर आ जाता है चोई और इसको अरेस्ट कर लेता है, कहता है कि तुमने खून किया है, और इसको अरेस्ट कर लेता है, और वहीं पर जो चाबी है वो गिर जाती है। और यहाँ पर फिर ये दोनों बातें करते हैं। यहाँ पर गियोंगसू उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और ब्ला ब्ला बाकी की सारी चीज़ें। बट चोई को कुछ भी यकीन नहीं होता, तो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी नहीं मानेगा। और यहाँ पर तभी उस आदमी की कॉल आती है, यानी पार्क की, और वो कहता है गियोंगसू को कि कार से बाहर चले जा। गियोंगसू जब कार के बाहर चला जाता है तभी उस कार के ऊपर एक कंटेनर गिरता है, जिसकी वजह से चोई ऊपर निकल लेता है वहीं पर। अब ये देख के गियोंगसू बहुत ज़्यादा सैड होता है कि इसका साथी मारा गया, वो भी इन छोटी मोटी चीज़ों की वजह से। रात को फिर पार्क गियोंगसू को कॉल करके कहता है कि कल सुबह 6 बजे तक अगर मेरे पास बॉडी नहीं आई तो मैं तेरी फैमिली को भी परेशान करूँगा। और फिर गियोंगसू परेशान होकर एक प्लान बनाता है, वो अपनी फैमिली को बीच पर भेज देता है छुट्टियाँ बिताने के लिए, और खुद पुलिस स्टेशन में जाकर बुलेट्स लेता है, और वहाँ पर चोरी से वो वाला बम भी चुरा लेता है जो 2 मिनट बाद फटता है, जो हमने शुरू में देखा था। और इस बम को उस डेड बॉडी के ऊपर लगा देता है, और फिर पार्क के पास लेकर जाता है। अपनी गाड़ी पीछे ही खड़ी कर देता है, और पार्क की गाड़ी में ले जाकर बॉडी को रख देता है। पार्क अच्छे से बॉडी को चेक करता है, पर उसमें बम डिटेक्ट हो ही नहीं पाता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। और फिर यहाँ से ये दोनों काफ़ी बहस करते हैं। पार्क गियोंगसू को मारने की भी कोशिश करता है, पर यहाँ पर गियोंगसू ये कहता है कि मैंने एक मेल टाइप किया है जो कि शेड्यूल है, यानी कि वो थोड़ी देर बाद गवर्नमेंट को चला जाएगा, इसकी वजह से तू पकड़ा जाएगा, उसमें तेरी सारी काली करतूतें हैं। अब यहाँ पर डर जाता है पार्क, और फिर इसको छोड़ देता है, और पार्क फिर यहाँ से जाने लगता है। और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से गाड़ी, पार्क और बॉडी तीनों जाकर बगल में एक तालाब है उसमें गिर जाते हैं। गियोंगसू अपनी बंदूक निकाल कर मारने के लिए जाता है कि अगर बाई चांस वो बच गया होगा तो मार दूंगा, पर वो नहीं बचता, वो डूब जाता है उसके अंदर। अब गियोंगसू बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि सारे सबूत उसने मिटा दिए। वो भाग कर घर आता है, अपनी फैमिली को कॉल करता है और कहता है कि मैं बीच पर आ रहा हूँ थोड़ी देर में, फिर हम साथ में मिलके तैरेंगे पानी में। अब यहाँ पर जैसे ये गेट खोलता है, पार्क इसके घर के बाहर ही खड़ा है, जिसके फेस का आधा एरिया खराब हो चुका है। और यहाँ पर फिर होती है इन दोनों की बहुत गंदी लड़ाई। यहाँ पर गियोंगसू ने अपनी गन जो है उसको भी रख दिया था, और यहाँ पर काफ़ी देर लड़ाई चलती है इनकी, और मारा पिट्टी करके, और फिर गियोंगसू इसको बांध देता है, और फिर बालकनी से जाकर बाहर की साइड से होकर और फिर दूसरे रूम में आता है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद फाइनली बंदूक निकालने जाते हैं दोनों, और गोली चल जाती है, जिसकी वजह से यहीं पर पार्क की मौत हो जाती है। अब इतना कुछ हो ही गया है तो ये कोरिया है तो यहाँ पर सबको पता चल ही जाएगा। तो वैसा ही होता है, पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है, उस कार को भी निकाला जाता है तालाब में से, सारी चीज़ें आईने की तरह साफ आ जाती हैं सामने। और उसके बाद ये लोग गियोंगसू को छोड़ देते हैं क्योंकि इसने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है। अब यहाँ पर गियोंगसू पुलिस की नौकरी छोड़कर अपनी फैमिली के साथ अपनी माँ के कब्र पर जाता है, और वहाँ पर जाकर पार्टी करता है। मेरे को समझ नहीं आता इनका कैसा ये रूल होता है कि जहाँ पर किसी का फ्यूनरल मना रहे होते हैं या किसी की कवर होती है, वहाँ पर जाकर ये लोग खाते पीते ड्रिंक करते हैं, खैर होगा उनका कुछ भी। और यहीं पर जो इसकी बेटी है, इसके पास वो चाबी मिल जाती है गियोंगसू को, क्योंकि वो चाबी यहीं पर गिरी थी तो इसको यहाँ पर मिल भी जाती है। अब गियोंगसू उस चाबी का पता लगा कर पहुँच जाता है
एक माफिया के अड्डे पर, जहां पर बहुत बड़ा एक लॉकर रूम है। यहां पर जितने भी दो नंबर के जो काम होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, जो अपना पैसा रखते हैं छुपाकर लॉकर में, वो ये जगह है। क्योंकि ये पैसा वो लोग गवर्नमेंट के पास नहीं रख सकते हैं, वरना उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके पास इतना पैसा आया कहां से। अब ग्योंग-सू चाबी लेकर उस लॉकर के पास जाता है, लॉकर को खोलता है और उसमें देखता है तो नोटों के बंडल भरे हुए हैं, जिसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर वो शॉक्ड हो जाता है। और हमें ऐसा लगता है कि इसको तो अब कमाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, और ये अपने साथ एक छोटा सा बैग लेकर आया था इसमें भर के ले जाने के लिए। अब यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि इसके लिए तो इसको ट्रक बुलाना पड़ेगा, इतना पैसा है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सारा पैसा पार्क का है, वो जितने भी ड्रग्स और ये सब गलत काम किया करता था उन सबसे कमाता था जो, वो यहीं पर ला कर रखता था। और यहाँ पर मूवी काफ़ी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अब ग्योंग-सू काफ़ी अमीर हो गया है। तो मूवी कैसी लगी ज़रूर बताना, अगर अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो मूवी देखने में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।